नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका बहुत स्वागत है उसी जोन में। फ्रेंड आज का हम दिखाते हैं अपने छत को, और मेरा छत ये बैक साइड में चल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे कुछ नए पुराने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसमें ये काल मेघ वगैरह हैं जो अपने से निकल गए हैं, कुछ तो पहले के हैं, इसमें तुलसी जी भी हैं दोस्तों। इसमें सभी पौधों का सम्मान हो रहा है, पौधे बेचारे पौधे चाहे जैसे भी हों, उनको बस जिंदा रहना चाहिए और बड़े होने चाहिए और पानी समय से देते रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने सुंदरता तो नहीं की है, लेकिन ये कि पौधों को देखभाल किया है, और यहाँ पे जो भी गमले हैं वो कोड़ते रहते हैं दोस्तों। यहाँ मिट्टी कमी हो गई है, मिट्टी जल्दी मिल नहीं पाता, इसलिए थोड़ा यहाँ पे नए गमले लगा नहीं पा रहे हैं। हर जगह मकाने बन गए हैं, मिट्टी मिलना मुश्किल हो गया है। कहीं जाएंगे नदी के तरफ या कुछ फ्लैट वगैरह जहाँ खाली होंगे तो दोस्तों वहाँ पर ही मिल पाएंगे। तो फ्रेंड इसमें देखिए अनार का ये कुछ आपके कांटेदार वगैरह हैं, एलोवेरा वगैरह हैं, काल मेघ का ज़्यादा निकल गए हैं, लेकिन हर जगह काल मेघ है जो बहुत महंगा बिकता है। काल मेघ का दोस्तों गोली भी आती है जो बहुत फ़ायदेमंद होता है, हर रोग को नष्ट करती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों पेड़ पौधे जो भी हैं उनको आप जल दें, पानी दें, उनकी रक्षा करें। पौधे जो भी हों वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हैं, और वातावरण के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हैं, और हमारे लिए भी इसीलिए दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पे घास भी निकले हुए हैं, और घास ये चिड़ियों के लिए काम आते हैं, चिड़िया वगैरह राखेड़ी वगैरह तोते वगैरह खेलते हैं, उनको मैं देता रहता हूँ और जल्द में लाता हूँ आपके लिए, बर्ड के लिए और प्राकृत के लिए वीडियो लेके आऊँगा, उनको दूँगा मैं घास किस तरह वो खेलते इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।